तैयार होगा ना आपको पता चलेगा। यहाँ पे टैले लग जाएगी, तो यहाँ पे लग गई हो, यहाँ पे लग गई, ठीक है टैले दो, यहाँ पे ऐसे लगाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा, खाना बन जाएगा। यार ये कैसा खाना, इतना बड़ा खाना बना दिए यार, यार इस बंदे के काम देखो, ये सारा खराब कर दिया इसने। तो भाइयों ये देखें आतिफ ने क्या बना दिया है, यहाँ पर दो टाइलें लगा के और नीचे ये बॉक्स बना दिए पिजन, एक ये वाला है और नीचे ये तो सपोर्ट दी हुई है इसको, ये वाला निकल जानी है, ये वाली इंटे, एक ये वाला बनाया हुआ इसने और यहाँ पे दो हैं ये वाले और एक वो नीचे वाला एक ऊपर वाला, ये हो गए छह। ये हमने इरफान भाई को लगा दिया है इंटे लगाने के लिए, क्योंकि हमसे ये लगनी नहीं थी, क्योंकि हम थक चुके सुबह से काम कर रहे हैं। भाई हमने एक दीवार कर ली है, अभी ये देखे हिल रही है क्योंकि सिंगल है। चलो ये वाली हमारी दीवार जो है वो कंप्लीट हो गई है, या आतिफ जो है झाड़ू लगा रहा है ताकि इसकी खूबसूरती हो जाए। तो फाइनली हमने ये देखे दरवाजा भी लगा दिया, दरवाजा देखे कितना प्यारा है, ये मैंने खुद डिजाइन करवाया जहन के मुताबिक, इस तरह के जो चार बाले थे ना ये वाले लकड़ी के, इनका ये दरवाजा बनवाया है हमने। रात को केज की दोनों दीवारें हमने बना ली थी, ये देखें इतना हमने कंप्लीट कर लिया था क्योंकि रात हो चुकी थी, कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो आतिफ भाई पानी लगा रहे हैं दीवारों को पक्का करने के लिए, उसके बाद इसका जो भी काम रहता है आज ही हमने कंप्लीट कर देना है। आतिफ भाई क्या कर रहे हो? चौकड़े तैयार हो रही है, ये ना इसके डेले भरे हुए थे। नुमान भाई अभी खुडे के अंदर लेप करने लगे। ये हमने आधा कंप्लीट कर दिया है, बस है ना ऊपर छत डालने लगी है, यहाँ पे हमने छत डालनी है। वाह जी वाह जी, शान भाई छत का सामान जी शान भाई ले आए हैं। मैंने कहा लेवल की छत डाल जाएगी, ये फट्टे डालने थे पहले। हाँ ये तो मुझे तुमने बताया था ये फट्टे डालने, मुझे ये नहीं पता फट्टे ये वाले चलेंगे बांध। तो जैसे ही तमीर होता है ना सारा, आपको दिखाते हैं कि किस तरह का बना है। तो यार आज हमें तीसरा दिन है कि हमारा जो है वो केज कम्प्लीट नहीं हुआ, ये सिरकी पहले हम गलत ले आए थे, इस तरफ को काने थे वो लेकर आ गए थे, दोबारा चेंज किया। अब ये बड़ी है, ये कुल्हाड़ी हम लेकर आए, इससे हमने काटते नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी जितनी चाहिए, ये भी लंबी है। और हमने एक गलती और की है, ये देखें बांस ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, एक ये हमारी गलती है, उसके पास यही पड़े थे पाँच और हम उठा लाए, हमने कहा कि हम काट लेंगे, अब हम यहाँ से जब ये सूख जाएगा हम यहाँ से आरी के साथ काट लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है केज, आज ये मुकम्मल कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए आतिफ सीमेंट बना रहे हैं, यहाँ पे एक वार लगना है ऊपर, उसके बाद सिरकी डालनी, सिरकी डाल के फिर ऊपर डाल देनी हमने मट्टी।
आतिफ ये निकाल रहा है, जो इजाफी बच गई ना हमारे पास ये ज्यादा थी, तो ये यहाँ से हम काट के और यहाँ पे गिरा बांधते जा रहे हैं। तो यहाँ पर इधर भी इजाफी है, ये कुल्हाड़ी की मदद से हमने काट देनी, नीचे उतार के पहले पूरी कर रहे हैं हम। तो ये देखे भाई, हमने इसको उतार दिया, ये जो इजाफी सी ना कुल्हाड़ी की मदद से, ये देखें सारी जो हमने लेवल कर दी है। ओए ये कहाँ से लेकर आए हो तू? हम आया हूँ, उठा कर लाया हूँ। चोरी की है? नहीं, पूछ के लेकर आए हो। अच्छा, ये ऊपर डालनी, इसके ऊपर डालनी है, मजबूती हो जाएगी। अच्छा, ये छत के ऊपर डालनी है, वो भैया लेकर आया है। इसे क्या कहते हैं? पराली। तो अब हम पराली डाल दी हमने इसके ऊपर, पहले इस तरफ को डाली है, अब उस तरफ को डाल रहे हैं ताकि इसकी मजबूती और ज्यादा हो जाए। अब हम डालने लगे हैं शापर इसके ऊपर, क्योंकि बारिश आए तो पानी ना नीचे आए, तो भाई पकड़ो शापर, खुड्डा ना हमारा गीला हो जाए। तो ये डबल शापर लेकर आए हैं हम भाई। ये देखे मैं किस जगह पे खड़ा हूँ, यहाँ पे साथ वाला हमसायों का जंगल है, मुझे डर लग रहा है मैं गिर ना जाऊं। ये अब हम शापर सीधा कर रहे हैं, सीधा करके फिर इसके ऊपर डालेंगे हम मट्टी, मट्टी डाल के फिर बनेरा जो है वो बांध देंगे, फिर उसके ऊपर लेप करेंगे मट्टी के ऊपर मिट्टी का। तो भाई मिट्टी डालनी हमने शुरू कर दी है, ये देखे रफाकत कैसे सूंघ सूंघ के मिट्टी डाल रहा है भाई, ज्यादा डालो इसके ऊपर मिट्टी, ज्यादा डालेंगे यार, ये बस अभी थोड़ा ना ऊपर ऊपर डाल रहे हैं ताकि ये बैठ जाए शापर जो है वो जरा उसकी पकड़ हो जाए, शॉपर जो है वो बैठ जाए ताकि हवा से उड़े ना। अल्हम्दुलिल्लाह आलमोस्ट जो है वो हमारा केज जो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमारी हालत यार बहुत ज़्यादा ख़राब है, चार दिन लगे हैं हमें इसको कंप्लीट करने में। अभी भी ये देखे ना आतिफ यार, ये तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, चॉकलेट में मज़ा आ रहा है आपको। ये तूड़ी डाल के ना अभी इसके ऊपर आखिरी फाइनल लेप करना है। और ये देखे मेरे पाँव, ये देखे सारे हाथ वगैरह गंदे हुए पड़े हैं। ये हमने एक लेप किया है इसके ऊपर, पहले बनेरा बांधा है उसके ऊपर लेप किया है, अभी मट्टी डाल के फिर ऊपर लेप किया है, अब फाइनल लेप करना है ऊपर तूड़ी वाला, ताकि बारिश वगैरह आए तो पानी जो है वो बाहर को गुजर सके। अभी इसको भी सीमेंट लगाना है हमने, इसको प्लास्टर कर देना है बनेरे को, और ये जो बांस बाहर आए हुए हैं इनको हमने काट देना है आरी के साथ। और यहाँ से मैं आपको फाइनल दिखाता हूँ, ये देखें माशाल्लाह हमारा जो है केज बहुत ही प्यारा बन गया है। यहाँ पर ये देखें, ये छः खाने बनाए हमने, ये वाला डिफरेंट बन गया हमसे, ये दीवार गिर गई थी इसलिए डिफरेंट बना हुआ है। तो यहाँ पे देखें हवा के लिए वहाँ पे जाली लगा देंगे बाहर, या फिर थोड़ा सा बंद कर देंगे। तो ये देखें हमारा जो है वो केज कंप्लीट हो गया, यहाँ से जो है हमने बांस भी काट दिए हैं। तो यहाँ पर ये देखें पूरा मुकम्मल हमारा तैयार हो चुका है, और यहाँ पर देखें हमने कितना गंद डाल दिया है, ये देखें छत के ऊपर, ये अब सारा साफ करना है, साफ करके फिर आपको दिखाएंगे इसको पेंट करके। तो फाइनली हमारा जो है वो केज मुकम्मल हो चुका है यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, चार दिन हमने टोटल लगाए हैं। तो ये देखिए इसकी भी हालत और मेरी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इतनी ज़्यादा मेहनत के लिए यार एक लाइक और एक सब्सक्राइब बनता है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।